करीब 1,52,00,000 रुपए की लागत से कराया गया था, जिसमें भवन निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी करीब 60,00,000 रुपए का भुगतान लंबित था। आरोप है कि 60,00,000 रुपए के भुगतान के लिए मुख्य अभियंता इंजीनियर मुरलीधर सिंह 15,00,000 रुपए घूस मांग रहे थे। घूस की रकम नहीं देने पर कई माह से पेमेंट नहीं कराया जा रहा था। इसी पेमेंट को लेकर रमा शंकर सिंह मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह के नवनिर्मित आवास पर गए थे और इसी दौरान गार्ड रूम में केरोसिन छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद गंडक विभाग के सभी कर्मचारी और इंजीनियर फरार हो गए हैं। तो आपको बता दें कि गोपालगंज में भवन निर्माण के बकाया राशि की मांग करने गए ठेकेदार रमा शंकर को जिंदा जला दिया गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे ठेकेदार की गोरखपुर ले जाने के दौरान मौत हो गई। ठेकेदार के परिजनों का आरोप है कि भवन निर्माण के 60,00,000 रुपए के भुगतान के लिए गंडक विभाग के मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह ने 15,00,000 रुपए घूस की मांग की थी, जिसे नहीं देने पर नगर थाना के गंडक विभाग के चीफ इंजीनियर ने आवास पर चीफ इंजीनियर ने उन्हें जिंदा जला दिया। वहीं बताया जाता है कि गंडक विभाग के द्वारा गंडक कॉलोनी में मुख्य अभियंता आवास का निर्माण कराया गया था। इस आवास के निर्माण का ठेका रमा शंकर सिंह को मिला था। पीड़ित रमा शंकर सिंह के बेटे राणा प्रताप सिंह ने बताया कि चीफ इंजीनियर के आवास का निर्माण करीब 1,52,00,000 रुपए की लागत से कराया गया था, जिसमें भवन निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी करीब 60,00,000 रुपए का भुगतान लंबित था। आरोप है कि 60,00,000 रुपए के भुगतान के लिए मुख्य अभियंता इंजीनियर मुरलीधर सिंह 15,00,000 रुपए घूस मांग रहे थे। घूस की रकम नहीं देने पर कई माह से पेमेंट नहीं कराया जा रहा था। इसी पेमेंट को लेकर रमा शंकर सिंह मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह के नवनिर्मित आवास पर गए थे और इसी दौरान गार्ड रूम में केरोसिन छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया। पटना में कार सवार अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार अभिषेक कुमार चौबे से लूटपाट की। घटना पाटलिपुत्र थाना के कुर्जी के पास की है। बताया जाता है कि यूपी के नंबर प्लेट लगी कार में कुछ अपराधी उतरे और मोबाइल दुकानदार के साथ लूटपाट करने लगे। उससे 17,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों की गाड़ी बोरिंग रोड में बिजली के पोल से टकरा गई। इस घटना में लुटेरे घायल हो गए। तो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि कुर्जी में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर अपराधियों ने 17,000 रुपए की लूट की है। तो पटना के कार सवार अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार अभिषेक कुमार चौबे से लूटपाट की घटना को अंजाम दी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, पटना में लूटपाट की जो इस घटना है लगातार बढ़ते जा रही है, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो नकेल कसने की जो बात कही जा रही थी वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर शायद कहीं न कहीं लगातार अधिकारियों के दौरे और लगातार सारी कसरतों के बावजूद अपराध रुक नहीं रहा। खुलेआम सड़कों पर अब लूटपाट शुरू हो गई है। कल देखिए, पटना में कल दो घटना हुई। पहली घटना खगोल लक के पास हुई, जहां अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी के बेटे की जमकर पिटाई की, उसे लूटपाट कर लिया। दूसरा पाटलिपुत्रा में हुई। खुलेआम शराब के नशे में धूत युवक आते हैं, फोर व्हीलर से सड़क पर जा रहे युवक को घेरते हैं, मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं, उसका पर्स छीनते हैं और आराम से चले जाते हैं। सवाल बहुत सीधा है कि युवक के द्वारा सूचना देने के बाद भी पुलिस एक घंटे तक नहीं पहुंची। अब सवाल है, पुलिस तो रहती नहीं है और घटना की सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाती, तनु, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का सुस्त रवैया नजर आता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और शायद यही कारण है कि अपराधी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पटना में तो लूटपाट की घटना इस तरह से कभी नहीं होती थी। बोरिंग रोड में लूटपाट हो जा रही है, एन कॉलेज के पास लूटपाट हो जा रही है। जी बिल्कुल, तो बहुत सीधा है कि आखिर इस तरह के हालात हो क्यों रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय थाना है उनके जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं वो काम नहीं करती। पेट्रोलिंग पार्टियां पेट्रोलिंग नहीं करती, थानेदार सड़क पर नहीं निकलते, डीएसपी सड़क पर नहीं निकलते और इसी का परिणाम है कहीं ना कहीं पटना की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और लगातार लूटपाट की घटना हो रही है। फिलहाल देर रात पुलिस पहुंची थी वहां, मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। देखना होगा कि पूरे मामले में पुलिस क्या सफलता प्राप्त कर पाती है। जी
बिल्कुल मरगूब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन जो इस पूरी घटना उस पर क्या कुछ एक्शन ले पाती है। हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का सुस्त रवैया साफ तौर पर नजर आता है। हालांकि जिस तरह घटना होती है पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस 1 घंटे बाद पहुंचती है। तो गुड मॉर्निंग पटना में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग रांची। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना, आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग रांची में आपका स्वागत है। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड में। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार एक्टिव हो गई है। झारखंड वासियों के लिए कई तरह के सौगात देने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने झारखंड के लोगों को 2 नई ट्रेनों का तोहफा दिया। रेल राज्य मंत्री सुरेश आंगड़ी और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची रेलवे स्टेशन से हटिया सांकी पैसेंजर ट्रेन और रांची टाटानगर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेल राज्य मंत्री ने कई आश्वासन भी दिए।